कोचिंग इज द बेस्ट ये एक इतना बेसिक क्वेश्चन है लेकिन क्योंकि ये इतना कॉस्टली क्वेश्चन भी है लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग कि हम कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें अगर आप उनमें से एक हो आई प्रोसिस यू दिस वीडियो विल शॉर्टली हेल्प यू हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल मैंने जब एम बी ए करनी थी उससे पहले मैं एक बी कॉम ऑनर स्टूडेंट थी एट डेली यूनिवर्सिटी अब डेली यूनिवर्सिटी में होने का फायदा यह है कि आपके बहुत से सीनियर्स ऑलरेडी कोचिंग ले चुके होते हैं तो मेरे लिए इट वॉज इजी टू गेट दो रिव्यूज और टूट तो

तो जो बता दे दैट यू वोट फाइंड एनी व्यर तो उसके पीछे भागने का भी कोई पॉइंट नहीं है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नहीं करेगा. उसके लिए होते हैं, online, जिसको आप मॉक्स so, तो इंडिविजुअली भी, भी बाय कर सकते हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के so, well. तीसरा फैक्टर होता है मोटिवेशन सो बहुत सारे लोग ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं जो तो उनको ना हमेशा ऑन द टोज रखे इंस्पायर्ड रखे ट्रस्ट मी ये इतनी टैक्सिंग जर्नी है कि अगर इसमें अच्छा परफॉर्म करना है ना तो एक अच्छे टीचर की कीमत एक अच्छे मोटिवेटर से बहुत ज्यादा होगी तो अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर इज दी फैकल्टी आपको कौन पढ़ाने वाला है उनका कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा पढ़ाते हैं दैट शुड बी योर नंबर वन प्रियोरिटी क्योंकि वही आपकी फाउंडेशन और आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे अब इसमें भी फर्दर दो स्प्लिट आएंगे या तो आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो ऑफलाइन के केस में हमेशा एक डेमो क्लास लो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको एक डेमो क्लास लेने से मना नहीं करेगा so दे वुड है कि आप जाना हो. उस में, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे उन्होंने अपने टीचर्स के लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं जस्ट सर्च फॉर देम कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले देख तो लो कि वो आपको कैसा पढ़ाने वाले हैं बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी टाइम के बारे में बहुत अच्छा

तो तो शुरू में आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहिए थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डिस्टेंस ये इतना इतना इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि इसने मेरा बहुत टाइम सेव कर दिया सो मैं ना नॉर्थ कैंपस की स्टूडेंट थी और डेली में ही एक जगह है सीपी वहां पर भी टाइम का एक सेंटर है जो कि काफी पॉपुलर है सो so, सब लोग ना जो मेरे आसपास थे जो सीनियर्स थे वो लोग सीपी जाया करते थे तो मैं ना उनको रोज देखती थी कि जब वो सीपी से वापस लौटते थे थर्टी मिनट्स का रास्ता था वो इतने टायर्ड हो जाते थे जाने में में और फिर आने में कि उसके बाद उनका पढ़ने को ही मन नहीं कर रहा होता था सो so, मैंने उस एक्सपीरियंस को देख के ना एक इंटरनल कॉल लिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है हो सकता है कि नॉर्थ कैंपस की फैकल्टी उतनी रिनाउंड हो जितनी सीपी में बट स्टिल मैंने डेमो क्लास ली है डिसेंट रिव्यूज है

इंस्टीट्यूट इवन इफ अगर आपकी सिटी में कोई और सेंटर ज्यादा पॉपुलर है या फिर के अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां अच्छी कोचिंग प्रोवाइड नहीं होती ऑफलाइन के केस में ताकि आपका ये हो, जो में वेस्ट होगा। so, मैं चाहती थी कि मैं ऐसी क्लास ज्वाइन करूं जहां मेरे पास ये एक्सक्यूज ना हो कि आज मिस कर देते हैं सो दैट इज वाई मुझे ऐसा लगा कि जो ऑफलाइन क्लासेस होती है वो आपको ज्यादा डिसिप्लिन बनाती है जब मैं एक बार क्लास में जाऊंगी मुझे कोई रिकॉर्डिंग तो देने

डू रीच आउट टू योर सीनियर्स ऑन लिंगड इन या किसी भी और को जिसको आप जानते हो या उन कोचिंग इंस्टीट्यूट से डेमो ही मांग लो ताकि यू कैन मेक एन इन्फॉर्म चोस अब इस सर्वे के रिजल्ट को आप सिंपली एक्सेस कर सकते हो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख जाएगा उस लिंक पर आप सिंपली क्लिक करोगे तो एक फाइल ओपन होगी इस फाइल में मैंने वो सारे फैक्टर्स लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम उनकी कितनी फीस है क्या वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है अगर वो ऑफलाइन है तो कौन सी सिटी में है एंड उनका एक डिटेल्ड फीडबैक इस फाइल को मैं जितने अच्छे से सॉर्ट कर सकती थी मैंने एल अल्फाबेटिकली इसको सॉर्ट किया है अगर आप चाहो तो क्योंकि ये एक, एक ऐसी फाइल है जिसमें आप सर्च भी कर सकते हो आप सिंपली कंट्रोल एफ प्रेस करके अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हो या सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके इस फाइल के रिजल्ट में किसी भी ब्रांड का नाम टाइप करके भी सर्च कर सकते हो कि उनके क्या रिव्यूज हैं सो आई ट्रूली होप की इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिले एटलीस्ट ये एक बेस की तरह तो आपके लिए काम करे ताकि आप अपने लिए राइट right चॉइस ले पाओ द रीजन आई डिड नॉट गिव यू अ सिंपल आंसर कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट है इज बिकॉज ऐसा कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होता है जो बेस्ट होता है या वर्स्ट होता है इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर एफर्ट हर कोचिंग इंस्टीट्यूट से लोग आई एम पहुंच ही जाते हैं अल्टीमेटली इट इज योर एफर्ट लेकिन स्टिल बिकॉज यू हैव टू मेक दिस कॉस्टली चॉइस एटलीस्ट डू योर ओन रिसर्च आफ्टर यूजिंग दिस सर्वे और आफ्टर यूजिंग दिस वीडियो आई होप इट हेल्प यू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस